अगर फरियाल मेरे साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती थी तो क्या इतनी बड़ी बात है? मैं क्या कोई छोटा बच्चा हूं कि इतने सालों के बाद मैं बस इसी बात पर रोता रहूं? रह गए चाचा जान और चाची जान, तो जिस वक्त पूरी दुनिया ने हमारा साथ छोड़ दिया था, तो उन्होंने छोड़ दिया था, तो क्या इतनी बड़ी बात? आज अगर इतने सालों के बाद फरियाल हमसे मिलने आना चाहती है तो इट्स नॉट अ बिग डील। लाइफ में इससे है बहुत कुछ। मैं समझ गई, तुम अपनी माँ से भी अपना दिल का दर्द नहीं शेयर करना चाहते, सब कुछ अपने अंदर ही सहना चाहते हो। नहीं मामा, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह जाने ये लड़की किस खुशी में या किस मकसद से हमारे पास आ रही है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि इतने सालों के बाद बस मुंह उठाए चली आ रही है। हम सबको तो छोड़ो, रिजवान ने इतने अरसे में कभी अपने भाई से भी रابطہ नहीं किया। फरियाल की शादी के बाद वो दोनों भी जाके कनाडा में सेटल हो गए। फरियाल बस कुछ दिन यहाँ रही, फिर वहाँ चली गई, और एक साल के अंदर ही अंदर ये दोनों भी वहाँ चले गए। ये सारी बातें मुझे दुर्दाना से पता लगी। खूनी रिश्ते क्या इतने ही खुदगर्ज़ और सफाक होते हैं? खूनी रिश्ते, प्यार के रिश्ते, सब ऐसे ही होते। वो कहते हैं ना, इंसानों से उम्मीदें वाबस्ता नहीं करनी चाहिए। आपने वो मशहूर कॉल नहीं सुना? लोग सभी अच्छे होते हैं, बस खुदा बुरा वक्त ना लाए।